नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। और आज की बड़ी खबर, यूएन में भाषण देने वाली नित्यानंद की शिष्या की सफाई। बोली, हम भारत का सम्मान करते हैं। पहले कहा था हिंदू विरोधी नित्यानंद को टारगेट कर रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत के भगोड़े नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया ने 1 मार्च को जनेवा में हुई यूएन की बैठक में कहा था, नित्यानंद को उनके जन्म स्थल पर हिंदू विरोधी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। अब विजय प्रिया का एक वीडियो सामने आया है, इसमें वो अपने बयान पर सफाई देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने भारत के विरोध में कुछ नहीं कहा था, हम भारत का सम्मान करते हैं। मेरे बयान को गलत समझा जा रहा है, मीडिया के कुछ एंटी हिंदू सेशंस मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। विजय प्रिया ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन एंटी हिंदू सेशंस के खिलाफ कार्रवाई करे। ये सेशन कैलासा के खिलाफ लगातार हमले और हिंसा भड़का रहे हैं। हिंदू विरोधी लोग भारतीय आबादी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, उनकी हरकतें पूरे भारत पर सवाल नहीं खड़ा कर सकती। ये जरूरी है कि भारत सरकार हिंदू विरोधी लोगों की गतिविधियों को खत्म करने के लिए कदम उठाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।